तो गाइस यार यहाँ पे सामने देखो लगी है एक जबरदस्त ब्लैक हल्क की शॉप। और यहाँ पे ये वाले ब्लैक दद्दू हल्क सेल कर रहे हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑल फादर वाले ब्लैक हल्क के सूट। यहाँ पे देखो कितने खतरनाक खतरनाक तरह के ब्लैक हल्क के सूट है। अगर हमारा बजट कम है तो हम ये सस्ते वाले सूट ले सकते हैं। अगर हमारा बजट थोड़ा ज्यादा खतरनाक वाले सूट्स ले सकते हैं जिसमें फोर हेड वाला अल्ट हल्क, सिक्स आर्म वाला रिवेंजर हल्क और ये फुली ब्लैक्ड आउट टीविल हल्क है। उससे भी ज्यादा पैसे तो हम ये सेवन हेड वाला फ्रैंकलिन हल्क ले सकते हैं जिसके ऊपर ऑल फादर की ब्लेसिंग है मापा इस वीडियो में। तो हमें मिल सकता है ये खतरनाक वाले टाइटन हल्क वाले सूट्स जो कोलोसल साइज के है। तो मुझे बताओ ये वाले सूट खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। आए फ्रैंकलिन पुत्र यार, जो सबसे बड़ा वाला टाइटन गॉड का सूट है ये तो सिर्फ मैं मेरी इच्छा से किसी को गिफ्ट दूंगा। उसके अलावा जो ये वाला प्योर ब्लैक हल्क का प्योर इविल सूट है ये यहाँ पे आज $10 million का मिल रहा है। अरे मेरे पास $10 million तो नहीं है। ओए पुत्र जी कोई बात नहीं, तो तू $1 million का ये वाला सूट ले ले जो सिक्स आर्म वाला रियल हल्क का। अरे मेरे पास तो $1 million भी नहीं है। ओए पुत्र जी कोई बात नहीं, हल्क का सूट ले लो, ये तो सिर्फ ज्यादा नहीं यार $100,000 मतलब $1,00,000 का है। अरे $1,00,000 भी नहीं है, मैंने तो मेरे सारे पैसों की खट्टी टॉपी। ओए पुत्र जी कोई बात नहीं, तो सस्ते वाले बजट वाले सूट ले लो। ये देखो ये छोटा ब्लैक हल्क है, ये $10,000 का है। ओए पुत्र जी $10,000 भी नहीं है। ओए पुत्र जी तो चलो यार एक काम करो, ये $100 में मैं तुम्हें ये डिफेक्टिव वाला हल्क दे दूंगा जो आधा ग्रीन है और आधा ही ब्लैक पाया। अरे गाइस देखो जब है ना ग्रीन हल्क को ब्लैक हल्क बनाते हैं उनके पे पानी चढ़ा है कलर का, तब ये वाला पीस डिफेक्टिव। बिल्कुल सही बोला, तुम $100 अगर लेकर आ गए तो मैं तुम्हें ये वाला हल्का सूट दे दूंगा। ओ गाइस चलो यार मुझे जल्दी से $100 पड़ेंगे। अभी यहाँ पे देखो मेरे पास है कुल मिला बन के दस $0। मेरे सारे पैसे शिनचैन और चॉप ने खत्म कर दिए। अभी मुझे भी किसी भी तरह के $100 कमा के लांगे। चलो 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 मैं जल्दी जाता हूँ $100 कमाने, लेट्स गो। अरे ये देखो यार यहाँ पे मैंने सुना है कि ये वाली जो गटर है ना ये है ना आपके घर के वहां से निकलती, तो यहाँ पे है ना बहुत सारे पैसे है ना गटर में बहकर आते क्योंकि अमीर लोगों को पैसे की पड़ती नहीं है, इधर उधर वो करते रहते। ये देखो यार यहाँ पे इतने सारे भिखारी लोगों ने अपनी गैंग है। अरे वाह वाह आज तो यार बहुत ही सारे पैसे मिले यहाँ से, पानी में से निकाल निकाल के सारे बॉस को दे दिए मैंने सारे पैसे। ओम। अरे गाइस एक सेकंड यार यहाँ पे देखो ये सारे है ना भिखारियों ने जो लोग यहाँ पे रहे इन लोगों ने यहाँ पे गैंग बना ली है। और यहाँ पे देखो ये लोग है ना सब कचरा भी निकाल रहे और इनके थोड़े से पैसे भी है। ये देखो और यहाँ पे इतने सारे डॉलर के नोट्स भी रखे हुए। यार ये लोग तो है ना सारा पैसा निकाल ले रहे यार ये वाली गटर में से, मेरे को कैसे पैसे मिलेंगे अब। रुको गाइस मैं एक चीज से वहां पे जाके उनके पैसे चुराने की कोशिश करूंगा। हाँ ठीक है यही सही प्लान है, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अरे बाप रे अब तो बहुत मेहनत कर ली, चलो यार संजू मंजू अपने लोग है ना कुछ खा के आते हैं, आज इतने सारे पैसे निकाले ना बॉस। ओम। अरे बॉस तो पता नहीं ओम ओम करते रहते, चलो चलो सब जन भाइयों बहनों खाना खाने चलते हैं, बल्ले बल्ले होगी। आज तो बहुत पैसे निकाले यहाँ पे से नदी में से कम ₹20 का वड़ा पाव खाएंगे। ओ गाइस देखो यार ये तो सब जन है ना गए है ना वड़ा पाव खाने। अब मैं यहाँ पे छुप के जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि मैं अंकल के पैसे चुरा सकता हूँ क्या। ओम। अरे ये देखो यार ये तो यहाँ पे मेडिटेशन करने में बिजी है, मैं चुपके चुपके से जाता हूँ और इनके पैसे निकाल लेता हूँ। ओ यहाँ पर से पैसे पड़े क्या, रुको ये क्या है। अरे नहीं नहीं गाइस यहाँ पे तो सिर्फ कचरा पड़ा है, पैसे तो बॉस के पास ही पड़े। ये देखो यार ये लोग के पास कितना सारा सामान है गाइस, इतना सारा सामान तो मेरे पास भी नहीं है। ये देखो यार यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये नोट पड़ी इसको। अरे इनने मुझे देख लिया क्या, नहीं 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 ये तो मेडिटेशन कर रहे हैं, इनकी आंखें तो बंद है। चलो पैसे के पास जाता हूँ, मैं पैसे के पास जाता हूँ वैसे ओम ओम क्यों करने लग जाते। रुको यार यहाँ पे जाके मैं ले ही लेता हूँ पैसे। ए बच्चे कौन है जो मेरे पैसे चुरा रहा है, चल पीछे हट। अरे क्या हुआ यार बाबा जी, यार तुम क्या कर रहे हो, तुम जग रहे थे मुझे तो लगा मेडिटेशन कर रहे हो। फ्रैंकलिन मैं मेरे पैसों का पूरे टाइम ध्यान रखता हूँ, तू यहाँ पे से दफा हो जा चल। कोशिश कर रहा है मैं तो आपके पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था। अरे हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था तू। अरे प्लीज यार मुझे ये पैसे दे दो, तुम तो और निकाल लोगे ये वाली नदी में से, मुझे पैसों की अर्जेंट जरूरत है। अगर ये मैंने सूट नहीं खरीदा ना जल्दी से तो कोई सूट लेके चला जाएगा $100 का ही है। क्या तुझे $100 चाहिए, चल ठीक है मैं तुझे $100 दे सकता हूँ पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। अरे आपको क्या मुझे वो बताओ यार। अभी यार लॉस सैंटोस में ठंडी का मौसम आ रहा है और है ना मेरे जो जूते और कपड़े है सारे खराब हो गए हैं, बाजार से लेके नहीं जाना था। एक काम कर तू मुझे अपने जूते और कपड़े दे दे तो मैं तुझे उसके $100 दे दूंगा। अरे क्या गाइस नंगा पुंगा होना पड़ेगा यार ये कैसे है। कोई बात नहीं गाइस एक काम करता हूँ, ये देखो यार अंकल शूज तो निकाल के तुमको दे दिए। अरे शूज नहीं सारे कपड़े भी निकाल के दे। ठीक है यार लो सारे कपड़े भी निकाल के दे दिए।
अरे तूने फिर से जूते पहन लिए? अरे जूते भी उतरवाओगे, कपड़े भी उतरवा दिए। रुको रुको यार, ठीक है जूते वापस निकालता हूँ। ये लो यार जूते भी यहाँ पे रख दिए। गाइस देखो कैसी बेइज्जती हो रही है यार, ये गरीब आदमी ने मेरे को पूरा लूट लिया। हे हाँ ले जा फ्रैंकलिन के सारे कपड़े उड़ा लिए मैंने। गाइस देखो मैं नहीं चाहता था कोई मुझे ऐसे देखे, मैं बड़े बड़े कपड़े पहनता था जिससे किसी को पता ना चले कि मैं इतना कमजोर हो गया हूँ। पर देखो गाइस यही मेरा सच है, मैं इतना कमजोर हो गया हूँ, इसके लिए तो मेरे को ब्लैक कलर के सूट खरीदने। चलो मैं जल्दी से जाता हूँ यार, वो सूट खरीद लेता हूँ, मैं ऐसे नहीं घूम सकता, मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार। पर एटलीस्ट चलो मुझे $100 तो मिल गए सूट खरीदने के लिए। लेट्स गो गाइस। वुहू तत्तु हल्की देखो मैं आ गया। आए ये कौन गया फ्रैंकलिन पुत्तर को? क्या हुआ फ्रैंकलिन पुत्तर तुम्हारे कपड़े का? सब कुछ अपना घर बेच दिया, कपड़े बेच दिए और जूते भी बेच दिए तब $100 मिले। ये लो तुम्हारे $100, लाओ मुझे दो मेरा पहला हल्का सूट। आए पुत्तर जी ठीक है। गाइस ये देखो मिल चुका है मेरा पहला हल्का सूट। अब भले ये पूरा ब्लैक हल्क नहीं है, आधा ही ब्लैक हल्क है, पर फिर भी है तो बहुत ज्यादा तगड़ा ना। चलो यार दद्दू हल्क मुझे बताओ नेक्स्ट सूट की प्राइस क्या थी? ओए पुत्तर जी नेक्स्ट सूट है ये छोटा वाला फुल ब्लैक हल्का सूट, इसकी प्राइस $1000 है तुम्हारे पास? अरे नहीं अभी तो $1000 नहीं है, बट वेरी सून मेरे पास $1000 आ जाएंगे। मुझे पता है गाइज मुझे एग्जैक्टली कहाँ जाना है $1000 लेने के लिए। चलो गाइज वहाँ चलते जल्दी से, लेट्स गो। ये देखो मैं आ चुका हूँ यार यहाँ पे लॉस सैंटोस के मार्शलैंड में। अब तुम सोचोगे फ्रैंकलिन भाई यार ये तो गंदा सा एरिया है, यहाँ पे तुम्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो गाइस देखो वही बात है, यहाँ पे देखो जब बड़े लोग है ना बोटिंग करने आते हैं यहाँ पे, तो है ना ये वाली जो रिवर है इसमें बहुत ज्यादा कक मैन ईटर क्रोकोडाइल्स रहते हैं। और ये क्रोकोडाइल्स देखो नॉर्मल क्रोकोडाइल्स नहीं है, ये गोल्डन क्रोकोडाइल्स है। अब तुम बोल रहे हो कैसे बने? तो गाइस देखो जब यहाँ पे अमीर लोग बोटिंग करने आते हैं ना, तो मैंने ये क्रोकोडाइल्स उनको खा जाते और फिर उनके पैसों को भी खा जाते, उनके सोने चांदी को सबको खा जाते। तो यार ये क्रोकोडाइल गोल्ड में कन्वर्ट हो गए इतने सालों ऐसे खा खाने के बाद। तो अगर इनमें से एक क्रोकोडाइल को भी पकड़ लूँ ना, तो यार उसके मुझे ₹1000 मिल जाएंगे, तो फिर गाइस यार मेरा काम बन जाएगा। पर ये काफी ज्यादा डेंजरस काम होने वाला है, क्योंकि सारे क्रोकोडाइल डेंजरस है, पर यार मुझे ₹1000 चाहिए जिससे मैं हल्का सूट ले सकूं, तो ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो देखो गाइज मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि यार ये क्रोकोडाइल को है ना उत्साहने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा देर पानी में जाऊंगा और डांस करूंगा और बोलूंगा ओ देखो मैं तो कितना टेस्टी हूँ, मैं तो कितना है ना स्वादिष्ट हूँ। अगर ऐसा बोलूंगा मैं तो इनको मुझे खाचा करेगी और फिर है ना ये मेरे पीछे आने की कोशिश करेंगे और मेरे को है ना मारने के लिए लैंड पे आएंगे। और एक बार अगर ये जो क्रोकोडाइल है ये पानी के बदले लैंड पर आ गए, फिर तो ये काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, मार दूंगा और फिर मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब देखो यार यहाँ पे ना ये सारे क्रोकोडाइल्स तो एक साथ ग्रुप में है, मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा ना तो बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि यार मेरे पीछे एक दो नहीं बहुत सारे क्रोकोडाइल्स पड़ जाएंगे। तो मुझे कोई क्रोकोडाइल ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो अकेला आ। नहीं 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 कहीं नहीं है यार, यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहे, सारे क्रोकोडाइल अंडर वाटर होते ना। एक सेकंड गाइस यहाँ पे तुम्हें दिखा क्या? अरे ये देखो ये क्रोकोडाइल पे खड़ा है और ये है ना मुझे दिख नहीं रहा ढंग से, पर ये एकदम लैंड के पास भी है तो इसको ट्रैप करना भी होगा, और इसके आसपास कोई दूसरे इसकी क्रोकोडाइल फैमिली वाले भी नहीं। चलो गाइस मैं जल्दी से वहीं पे चलता हूं इसको बुद्धू बनाने के लिए। ये यही देखना पड़ेगा गाइस, भाई पानी गिर जाओ, पानी में गिर गया तो इनको स्मेल आ जाएगी। हल्का है कोई दम दम। अरे देखो एक सेकंड के लिए गाइस पानी में गया, उसी में उनको स्मेल आ गई। अब यार मुझे यार गाइस दिख भी नहीं रहा ढंग से, कहां गया। अरे ये रहा मैं एकदम सही जगह पे आया हूं यार, क्योंकि इतना खतरनाक है तो पानी के बुलबुले आ रहे। चलो एक काम करता हूं यहां पे जाके नाचने लगता हूं पानी में। उड़ बीमा चम्मक छल्लो, देखो मैं तो कितना ज्यादा टेस्टी हल्कू, वाह यहां पे तो नहाने में कितनी ज्यादा मजा आ रही है। गाइस उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, वो इधर आ तो नहीं रहा ना। कहां पे मेरा खाना आया है कोई तो नया, मुझे स्मेल आ रही है। नम 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 नम, जल्दी से जाना पड़ेगा उसको खाने के। कहाँ पे छुपा हुआ है ये हल्क? अरे ये रहा इसको पैर पे काटूंगा मैं तो। आ गाइस ये तो इधर आ गया, मेरे को पैर पे भी काट। ओए कहाँ भाग रहा है इधर आ? अरे गाइस ये देखो ये तो इधर लैंड पर आ गया, जल्दी इसको लात मारना चालू करता। ये ले अगर तू मेरे पे हमला करने की हिम्मत कर रहा है, इधर आ मैं तुझे काट जाऊंगा। हापी जी गाइस ये तो बहुत जोर जोर से काट रहा है। अच्छे पे ये घुस। रुको मुझे फिर से थोड़ा सा बाहर भागना पड़ेगा। इधर आ मुझे भूख लग रही है, तो तुझे खा के ही जाऊंगा। अये इधर आ फ्रैंकलिन। अरे मैं नहीं तू इधर आ। ये ले मर गया बाबा, मैं मर गया, मैं लैंड पे जिंदा नहीं रह सकता। अरे गाइस ये देखो मैंने एक क्रोकोडाइल को मार दिया, और ये देखो और ये पूरा सोने का क्रोकोडाइल है, जल्दी से मैं इसको ले लेता हूँ, मुझे अभी पैसे मिल जाएंगे। गाइस ये देखो मैंने इसको जे पूरे $1000। तो चलो गाइस जल्दी से चलता हूँ मैं वापस से दद्दू हल्के पास दूसरा सूट लेने के लिए।
ये इधर आ गया हूँ मैं दत्तुल्क। आए पुत्तर जी, इतनी जल्दी तुम $1,000 कम करा तुमने ऐसा तो? अरे नहीं बता सकता यार, बहुत ही ज्यादा डेंजरस काम किया मैंने, देखो यार। आए पुत्तर जी, यानी यार तुम वो कोई गोल्डन क्रोकोडाइल को मार के आए हो ना? अरे दद्दू हल्को तो सब पता यार, छोड़ो यार तुम बातें, चलो ये छोटा वाला सूट ले लेता हूँ मैं। गाइस ये देखो, फाइनली प्योर ब्लैक हल्क का सूट मिल ही गया। भले ये हल्की सा एक हल्क तो है ना एक्चुअल में, और पूरा ब्लैक कलर का, और इसके ऊपर ऑल फादर के ब्लेसिंग के टैटूज भी है। वो ये देखो कितना ऊंचा जंप भी कर सकता हूँ। जी हाँ, ये सूट भले ही $1,000 का है पर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब तुम सोचो, जब तुम पैसे कमा के $1,00,000 लेकर आओगे तब क्या मिलेगा तुम्हें? अरे वाह 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 गाइस, देखो $1,00,000 का सूट लेना है मुझे तो जल्दी से। अब गाइस देखो यार, अभी मैंने तरीके से गलत चीज करके पैसे कमाए, मतलब यार दो बार मैंने उल्टे पुल्टे का इसके लिए ना मेरे को गलत पैसे मिल गए। पर अब गाइस $1,00,000 कमाने के लिए तो बहुत सारे बड़े बड़े गलत काम करने पड़ेंगे, वो मुझे करने की इच्छा के लिए मैंने सोचा क्यों ना यार मैं एक जगह नौकरी ढूंढ लूं। यार नौकरी करके भी काफी सारे पैसे मिल जाते हैं, और $1,00,000 कमाने ज्यादा कमाने भी नहीं है। मैं 3-4-5 जनों की मदद करूंगा कोई भी सेल्स वाली स्टोर में, तो मुझे 1,00,000 रुपए तो कमीशन में मिल जाएंगे। ये देखो यार, यहाँ पे लॉस सेंटोस में बहुत सारे है ना क्लोथिंग स्टोर्स है, पर यार जो सबसे ज्यादा महंगा और खतरनाक वाला क्लोथिंग है ना वो ये वाला है। यहाँ पे सारे अमीर लोग अपनी शॉपिंग करने आते हैं, तो अगर मैं वहाँ पे चला जाके वहाँ एक नौकरी ढूंढ लूँ पर्सनल शॉपर की, मतलब कि जो लोगों को है ना कपड़े खरीदने में मदद करता है, तो फिर यार मुझे काफी सारे पैसे जल्दी जल्दी मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे है ना बहुत अमीर लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। गाइस मैं जल्दी से वहीं पे चलता हूँ, लेट्स गो। ये देखो गाइस, मैं आ चुका हूँ सेंटोस के सबसे बड़े मॉल में, रॉकफोर्ड प्लाजा। और ये देखो यार, ये रही वो दुकान यार जहाँ पे मेरी नौकरी लगी है। अरे फ्रैंकलिन, ज्यादा बातें मत करो, अंदर आके काम करने लगो। तुमको पता है आज कितने सारे बड़े बड़े कस्टमर आने वाले, इसके लिए तो मैंने तुमको नौकरी पे रखा है। अरे हाँ हाँ यार, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये देखो आ गया हूँ ना यार यहाँ पे, मुझे एक बात मिलेंगे। अरे अगर तुमने एक जने को है ना अच्छी सी महंगी सी चीज भेज दी 1,00,000 के ऊपर की, तो 25,000 रुपए कमीशन मिलेगा। अच्छा 25,000 रुपए कमीशन मिलेगा अगर मैं एक चीज बेचूंगा? तो गाइस देखो हिसाब से मुझे 4-5 लोग का मुझे 1,00,000 रुपए का कमीशन मिल जाएगा। चलो यार यहाँ पे जाके वेट करते हमारे पहले क्लाइंट का। अरे मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, सब जन मेरा मजाक उड़ाते हैं कि कितना छोटा पिगी है, कितना छोटा पिगी। आज तो मैं सारे मम्मी के पैसे लेकर आ गया हूँ, यहाँ पे सब सेट दूंगा खुद के लिए। अरे हेलो हेलो, कोई मेरी मदद करेगा? अरे अरे मेरा पहला गिराक आ गया। हेलो 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 पिगी सर, यार कैसे? अरे मैं एकदम ठीक हूँ, क्या तुम मुझे है ना हल्क के सूट दिखा सकते हो? पिगी मुझे है ना एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट सूट चाहिए, मेरे पास बहुत सारे पैसे। अरे हाँ हाँ आ जाओ सर जी। अरे फ्रैंकलिन अच्छे से शॉपिंग करवाना है, बहुत पैसे खरीदने चाहिए ये। अरे हाँ हाँ इधर आओ मेरे पीछे आओ, यहाँ पे नए है ना पिगी के सूट आए हुए, दो सूट है। ये वाला जो सूट है ये यार थोड़ा सस्ता है, $50,000 का यार, पर यार देखो इतना अच्छा नहीं है, पर ये वाला खतरनाक डेंजरस पिगी वाला सूट है, कितना ज्यादा बढ़िया यार। इसके पास आती है एक्स फ्री में आती है, आर्मर भी मिलती है, और ये सूट $1,10,000 का है। सर आइए सूट देखिए आप, देखो आपको कौन सा अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाके देखता हूँ। हाँ 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 देख रहा हूँ यार, चाहे इसकी हाइट भी बढ़िया है, बजट में काम हो जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ यही वाला सूट ले लूँ। अरे फ्रैंकलिन अगर इसने 1,00,000 से कहा तो तुझे है ना कमीशन नहीं मिलेगा, तो इसको बोल कि महंगा वाला सूट खरीदे। अरे गाइस ये तो लफड़ा हो गया यार, देखो अगर ये वाले पिगी ने अगर ये सस्ता वाला $50,000 वाला सूट खरीद लिया तो फिर यार मेरे को कमीशन नहीं मिलेगा, मुझे कुछ भी करके इसको ये महंगा वाला सूट बेचना जो ज्यादा रुपए का है। रुको रुको मैं इसको मामू बनाता हूँ। अरे क्या हुआ फ्रैंकलिन भैया, ये वाला सूट ले सकता क्या मैं? अरे नहीं नहीं ले सकते हो, पर एक बात बताओ यार, जब तुम्हारे पास यार बजट है और ये इतना अच्छा तुम्हें सूट मिल रहा है, देखो यार कितना है, इसके हाथ में ये एक्स भी है और इसने आर्मर भी पहन रखा है, और ये वाला पिगी का सूट तो थोड़ा अजीब सा है, इसने तो गरीबों वाले कपड़े पहन रखे, टोपी पहन रखी, इसका तो एक ही दांत है, इस पिगी के देखो दो दांत है। यहाँ बात तो सही है, मेरे भी दो दांत है, मेरे को ये वाला सूट ही ले लेना चाहिए क्या? अरे हाँ 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 यही वाला सूट ले लेना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, ये महंगा वाला ही सूट ले लेता हूँ, एक ही बात है जिंदगी जीते अपने। अरे हाँ एक नहीं जीते जाएगी। चलो यार मैं तुम्हारा यहाँ पे बिलिंग काउंटर पे बिल बना देता हूँ, जितने तुम वो नया वाला सूट ले लो। वेरी गुड फ्रैंकलिन, तेरा पहला कमीशन आप ही किया, जल्दी से इनसे पैसे ले देंगे। अरे वाह वाह ये वाला सूट तो बहुत अच्छा है, अच्छा किया मैंने यही ले, 10,000 रुपए जो तुमने बोले थे। टिंग टिंग। अरे गाइस ये देखो यार, इसने ना ये वाले पिगी ने ये वाला सूट खरीद लिया, अब मुझे 1,10,000 में से 25,000 रुपए कमीशन मिल गया और इसको अच्छा सूट मिल गया। अरे बल्ले बल्ले, शावा शावा हो गई मेरी तो।
गाइस ये काम तो बहुत ज्यादा आसान है, मुझे मेरा पहला कमीशन मिल भी गया। अभी देखो यहाँ पे ये दो आयरन मैन के सूट पड़े, ये बेच दूंगा तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। अरे मैडम जी ये वाला सूट ज्यादा महंगा होगा ना यार, ये तो साइज बड़ी है। अरे नहीं फ्रैंकलिन, ये वाला सूट ज्यादा महंगा नहीं है, ये वाला सूट टेक्नोलॉजी ज्यादा खतरनाक है। अरे क्या यार, ये वाला सूट यार इससे ज्यादा बड़ा है, फिर भी ये वाला सूट ज्यादा महंगा यार। अच्छा तो मतलब कोई आयरन मैन अगर यहाँ पे है ना सूट खरीदना है तो मुझे यार ये सूट बेचने का उसको ट्राई करना, क्योंकि ये सूट ज्यादा महंगा है। ठीक है समझ गया यार, चलो यार यहाँ पे मेरे कस्टमर का वेट करता हूँ, होपफुली यार एक आयरन मैन आ जाए यहाँ पे। मैं तो परेशान हो गया हूँ ये खटिया छोटे वाला आयरन मैन के सूट के साथ, जहाँ देखो वहाँ पे सूट अथड़ाता रहता है और बार बार मैं उड़ता रहता हूँ। अब तो मैं यहाँ पे सबसे महंगे स्टोर पे जाऊंगा और एक अच्छा आयरन मैन वाला सूट ला। ये सूट देखो कितना ज्यादा घटिया, मुझे एक महंगा वाला आयरन मैन का सूट चाहिए। ये देखो पापा जी बोल रहे थे यहाँ पे बहुत अकेले आता हूँ। जी हेलो, मुझे एक आयरन मैन का सूट दिखाना जरा। अरे वाह वाह, देखो मेरा दूसरा ग्राहक भी आ गया यार, इधर आओ सर जी यार, बहुत ही तगड़ा आयरन है ये, देखो टोनी स्टार्क की नैनो टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा खतरनाक वाला है ये आयरन मैन लीजनियर का। इसका सूट देखो एकदम फ्लैशी डैशिंग हैंडसम है यार, देखो तो सर इसको, और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ $2,00,000 का यार, जल्दी से यार। अरे हाँ, पैसे की कोई चिंता नहीं है, $2,00,000 से तो ज्यादा ही है मेरे पास। हाँ हाँ हाँ, वाला सूट काफी अच्छा तो लग रहा है, पर ये वाले सूट की तो हाइट मेरे वाले सूट से भी कम है, मैं ये वाला सूट क्यों लूं? अरे सर जी सिर्फ हाइट से मतलब नहीं होता, इसका पावर बहुत ज्यादा यार देखो। अरे नहीं नहीं, मैं तो ये वाला सूट लूंगा। ये वाला सूट कितने का है बताओ जल्दी से मुझे। अरे सर जी यार ये कहाँ सूट लोगे यार, ये तो सिर्फ $70,000-80,000 का यार, ये तो सिर्फ है ना धाती का दांत है, मतलब चबाने का नहीं होता, सिर्फ देखने के लिए ना, ये है ना इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी हो गई है, जब आयरन मैन के सूट बड़े होते थे। ये वाला जो टेक्नोलॉजी वाला सूट है नैनो टेक्नोलॉजी वाला एकदम तगड़ा है। अरे पर मेरे को तो बड़ा सूट चाहिए ना, इसके देखो कैसी ना ब्लेड भी लगी हुई है। अरे पर सोचो फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड हाथ कैसे पकड़ोगे, वो तुम्हारा हाथ पकड़ने जाएगी और यहाँ पे ब्लेड पे टच करेगी तो उसके कट हो जाएंगे, फिर सब जन तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कोई तुम्हारे साथ पास में ही नहीं आएगा। अरे हाँ ये तो सही बात, अगर मेरे हाथ के बदले ब्लेड होगी तो मेरा हाथ। हाँ हाँ, और देखो ये वाला सूट है एकदम देखो हैंडसम डैशिंग, ये आदमियों के साथ है, एक साथ ये वाला सूट ले लोगे आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा, इसको पैक कर दोगे, देखो ये सूट को। को सोचता हूँ यार इसकी हाइट मेरे से भी कम है, पर आखिर मानना पड़ेगा ये सूट है तो काफी एकदम टाइट, काम करो इसको पैक कर दो। कितने का? $2,00,000 का है ना, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पापा बहुत अमीर है मेरे। हाँ हाँ सर जी आप ये सूट को पैक करो जितने में आप आपके काउंटर पे बिलिंग। बहुत बड़ी आदमी, तूने तो 2,00,000 का सूट बेच दिया, इस पे भी तुझे तगड़ा कमीशन मिलेगा। हाँ हाँ बस यहाँ पे बिल बना रहा हूँ। अरे वाह, ये सूट तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, काफी ज्यादा मजा आएगा। ये लो हमारे पैसे, जल्दी से 2,00,000 रुपए मेरे अकाउंट में से काट लो, मैं यहाँ पे अपने नए वाले सूट की टेस्टिंग करने। ओह ये देखो ये सूट तो कितना ज्यादा फास्ट है, यहाँ पे है ना कहीं पे भी अथड़ा भी नहीं रहा। और ये देखो ये सूट में तो एडिशनल फीचर्स भी कितने सारे हैं, यहाँ पे ब्लेड भी आ जाएगी मेरे ऊपर और ये वाले कैनन्स भी आ जाएंगे। अरे गाइस इतने में तो इसको सूट काफी ज्यादा सस्ता बेच दिया, मुझे इससे और पैसे लेने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं यार, पर मुझे मेरा कमीशन तो मिल गया ना, लेट्स गो, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन आ रहा है। अब गाइस देखो मेरा नेक्स्ट क्लाइंट कौन आ रहा होगा मुझे पता नहीं यार, पर मेरे को गारंटी यार दो इतने खतरनाक क्लाइंट आए तो जो मेरा अगला क्लाइंट होगा वो तो यार सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन, उसके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे। एक सेकंड गाइस देखो एक जन की गाड़ी आई है। अरे ये क्या, ये तो कचरे वाले की गाड़ी लग रही है, पार्किंग कर रहा है। मेरे को कपड़े खरीदना है, मेरी बीवी पूरे दिन परेशान करती रहती है, कपड़े खरीदो कपड़े खरीदो। ठीक है यार जाके कपड़े खरीद लेता हूँ, सुन सेल्समैन मुझे सबसे महंगे कपड़े दे। इसको सबसे महंगे कपड़े देखने मेरे गाइस, इसके से भी होगा कि सबसे महंगे कपड़े खरीद सके। ए, दिखा रहा है क्या कपड़े? अरे दिखाओ दिखाओ सर जी का कपड़े दिखाओ यार। हाँ सर जी ये देखो यार, यहाँ पे जाके सूट देखो, सूट यार हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महंगे। मेरे को सूट वूट पहनना अच्छा नहीं लगता, चलो देखता हूँ यार ये सूट कितने के। हाँ नहीं मजा नहीं आ रहा, ये वाला सूट भी अच्छा नहीं है, इसमें भी अच्छा नहीं लग रहा, इस तो बिल्कुल ही नहीं पहनूंगा, ये भी नहीं पहनूंगा। जी कुछ महंगा दिखाओ यार, यहाँ पे सोने के जूते है क्या? सोने के जूते? अरे क्या ये आदमी सोने के खरीदेगा? सोने के जूते, डायमंड के बूट्स नहीं यार, मुझे डायमंड और सोने के जूते पहनने में। अरे नहीं नहीं पक्का इसके पास तो पैसे नहीं होंगे। अरे वाह वाह ये देखो डायमंड के जूते मिल गए, ये खरीद लेता हूँ मैं 10,00,000 रुपए के। अरे वाह वाह गाइस देखो, मुझे तो लगा था ये एकदम गरीब है यार, देखते भी क्या खरीदता है। अरे वाह वाह हाँ हाँ
ऐसा कुछ खरीद लेता हूँ। अरे ये देखो, ये सोने का स्वेटर है, सोने का स्वेटर खरीद लेता हूँ, काफी बढ़िया है। अभी मुझे पैंट भी खरीदनी यार, पैंट दो मुझे एकदम अच्छी, अच्छी क्वालिटी की पैंट दो। हाँ ये लाल कलर की ले लेता हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, और वो स्वेटर पैक कर देना। और मुखड़ी भी चाहिए यार, बहुत ही ज्यादा महंगी। अरे गाइस ये देखो, मेरे को कुछ मदद भी नहीं करनी पड़ रही, एक और मेरे को पैसे मिल जाएंगे सारे। हाँ सारी टाई चाहिए, हाँ जैकेट, एक जैकेट ले लेता हूँ क्या अच्छा वाला। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो मजा नहीं आ रहा, मेरा लाल कलर का ज्यादा जैकेट अच्छा है। यो ये वाले सूट बढ़िया बढ़ रहे, चलो सूट ले लेता हूँ। अरे हाँ हाँ सर जी, सबसे महंगा वाला सूट लो यार, जो आपको सबसे अच्छा लगेगा। अरे वाह सर जी, क्या लग रहे हो, ब्राउन कलर के सूट। हाँ चल ठीक है यार, यही सूट है। राइट साइड में देखो, ये आदमी के पास तो 21,000 करोड़ रुपए। अरे मैं बहुत अमीर हूँ यार, चल मेरा बनवा दे जल्दी से। अरे हाँ हाँ सर जी, ये लो आपका बिल यार, आपका बिल हुआ है टोटल 20 लाख रुपए का। अरे कोई बात नहीं, 20 लाख रुपए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ले क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया। चलो यार अब मेरी वाइफ एटलीस्ट चुप तो हो जाएगी। और ये देखो, ये सोने की ट्रक के साथ मेरे मैचिंग है। देखो मैं तो इसको गरीब फकीर समझ रहा था, पर यार ये आदमी के पास तो कितने सारे पैसे थे, कितनी सारी शॉपिंग करके गया, और मुझे इसको कुछ मदद भी नहीं करानी पड़ी, सब कुछ इसने ले लिया। भगवान करे एक और ऐसा क्लाइंट मिल जाए, मेरे को $25,000 और मिल जाएंगे, इसके कमीशन से भी $25,000 मिल गए, फिर मैं हल्का सूट लेकर आ सकता हूँ। आओ आओ यार मेरा नेक्स्ट क्लाइंट, जल्दी से आओ। सुनो जी, अगर है ना तुमने अच्छे कपड़े नहीं खरीदे ना, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूंगी, मेरी पकड़ी भी तुमसे ज्यादा हैंडसम लग रही है। कर देती है। अरे मेरे से बात मत करो, मैं फोन पे हूँ, ये दुकान है, इसमें से कपड़े लेकर आओ, फिर तुमसे करूंगी मैं। अरे ठीक है यार, चलो ठीक है यहाँ पे जाते। अरे गाइस ये देखो एक और कस्टमर आ गया। अरे मुझे कपड़े दिखा दो यार सर जी, तुम्हारे मैंने सुना है बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, मेरा एक दोस्त लेके गया यहाँ पे बहुत तगड़े कपड़े। अरे हाँ हाँ यहाँ पे आके यार ले जाओ यार, क्या लोगे आप? यार क्या लेना है मुझे समझ नहीं आ रहा तो क्या है। अरे वाह यहाँ पे तो आईपैड भी बिक रहे, घड़िया भी बिक रही है। अरे वाह 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 यार, बहुत बढ़िया बढ़िया टाई भी है, सोने डायमंड के जूते भी, यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज लग रही है। एक सेकंड, ये क्या है बाबा? ये तो एक पिग हल्का सूट है। अरे हाँ हाँ पिग हल्का सूट है यार, पर गाइस ये तो $50,000 से कम का अगर इसने ये लिया, मुझे कमीशन नहीं मिलेगा। I like this, मुझे ये पैक करके दे दो, इसकी बिलिंग कर दो बस, फिर मेरी गर्लफ्रेंड इम्प्रेस हो जाएगी। अरे सर जी रुको रुको रुको, आप सिर्फ वो पिग हल्का सूट मत लो यार, क्योंकि यार वो तो अच्छा नहीं है। एक काम करो ना, आप ये आयरन मैन वाला सूट भी ले लो, वो 50,000 का है, ये ज्यादा नहीं 7,000 रुपए का है, तो आपका बिल भी ज्यादा नहीं बचेगा, 1,20,000 का बन जाएगा। देखो तो सरी गाइस, देखो अगर ये आदमी ने ये दोनों सूट ले लिए ना, तो फिर मेरा बिल अच्छा बन जाएगा, मुझे मेरा कमीशन मिल जाएगा, मुझे कुछ भी करके इसको ये बेचना ही पड़ेगा। अरे पर मैंने जब इतना अच्छा पिग हल्का सूट ले लिया, तो मैं ये वाला आयरन मैन का सूट क्यों लूँ यार? अरे पर कोई बात नहीं यार, यहाँ पे देखो ना वो पिग हल्का सूट पहन के घूमना, और कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तब यार ये वाला सूट पहन लेना। ठीक है यार, इसकी होम डिलीवरी करवा देना, अभी तो मैं वो पिग वाला सूट पहन रहा हूँ, तुम जल्दी से मेरा बिल बनवाओ यार। अरे हाँ हाँ बिल बनवाता। अरे वाह फ्रैंकलिन, तू बहुत ज्यादा तेज निकला, तूने 2 सूट बेच दिए जिससे तुझे कमीशन मिल जाए। अरे हाँ दीदी बहुत तेज हूँ मैं, तुम टेंशन मत करो, जल्दी से दोनों का बिल बनाओ यार, यहाँ पे इसकी होम डिलीवरी करवा देना। हाँ वो तो मैं करवा दूंगी, मतलब तू बिल बना बस। अरे वाह वाह क्या, देखो लग रहा हूँ मैं खतरनाक सूट में, मेरी हाइट कित गई है। ये ले फ्रैंकलिन के, ये ले यार यहाँ पे 1,20,000 रुपए जो मेरा बिल था। तो चलो मैं बताऊँ ये पिक की सुपर पावर के साथ, और अब तो है ना जबकि मैं चुका हूँ, तो मैं वो सीक्रेट गुफा में से जा सारे पैसे भी लेकर आ सकता हूँ जो सिर्फ एक पिक थे। अरे एक सेकंड, इसने क्या बात बोली? अरे अंकल जी रुकना इधर से। नहीं बताऊंगा मैं, एक सीक्रेट पिक मॉन्स्टर ने बहुत सारे पैसे छुपा के रखे, वहाँ पे मैं जाऊंगा पैसे ले आऊंगा अब तो वहाँ से, ही ही ही, इसके लिए मैंने ये वाला सूट लिया है। What? Secret Pig Monster छुपे हुए पैसे? मुझे पता नहीं, पर ये देखो गाइस मैंने यहाँ पे 4 सेल कर दी थी, मुझे 25,000 कमीशन मिल चुका है, अब मैं जल्दी कर सकता हूँ, लेट्स गो। देखो आ गया। आए पुत्र जी $1,00,000 लेकर आयो ना। अरे हाँ $1,00,000 नहीं, पूरे $1,00,000, 100 रुपए साथ में एक्स्ट्रा भी लेकर आपके टिप के लिए। ये लो यार तुम्हारे $1,00,000। अब गाइस देखो, अब मुझे अच्छे वाले तगड़े सूट मिल रहे, ये देखो यार यहाँ पे 4 मेड सूट, चलो इसको जल्दी से मैं ले लेता हूँ।
गाइस ये देखो यार, मुझे ये अल्टीमेट सूट मिल चुका है। अरे वॉल्फ्रिन कितना तगड़ा सूट है रे, बाप रे, मेरे को हवा में उड़ा। ओहो गाइस देखो, मुझे फाइनल यार एक ब्लैक हल्क की पावर्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। ये फोरहेड वाला सूट इतना ड्रेस है। ओहो हो, ये देखो ये मारा और ये देखो ये मारा। आए पत्थर फ्रैंकलिन जी, यार ये सूट तुमने ये शैतानी करने के लिए लिया है क्या? अरे नहीं, शैतानी करने के लिए तो नहीं लिया है, अब इसको चेकिंग तो करूंगा ना। आए पत्थर जी, हाँ यार, अब जल्दी से तुम 10 लाख रुपए लेकर आओ जिससे मैं तुम्हें नेक्स्ट वाला तुम्हारा सूट दूं। अरे हाँ, 10 लाख रुपए लेकर आता हूँ जिससे नेक्स्ट सूट ले सकूं। गाइस देखो वहां पे तुम्हें दिख रहा है ना, 6 आर्म वाला अल्टीमेट रिवेंजर हल्क है, मुझे वो वाला चाहिए सूट यार। ये देखो यार, ये 4 हेड वाला अल्टीमेट हल्क तो बहुत अच्छा है, और भी ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलो गाइस जल्दी से बताओ। तब तुम सोच रहे होगे फ्रैंकलिन भाई और पैसे कमाने का प्लानिंग कैसे तुम? तो गाइस देखो यार, वो जो लास्ट कस्टमर आया था उसकी तुमने बात सुनी थी क्या? कोई एक सीक्रेट पिक की केव है, वहां पे एक पिक मॉन्स्टर बहुत सारे पैसे छुपा के रखा हुआ है। मैं वहां पे जाके उसके पैसे लेकर आ जाऊंगा, और अब तो मैं एक स्ट्रॉन्ग हल्क हूं, मुझे डरने की भी जरूरत नहीं है। चलो चलो जल्दी से वहां पे, लेट्स गो। ओ गाइस ये देखो यार, मैं यहां पे काली पहाड़ी पर आ गया हूं, और यही वाली पहाड़ी है, ये ना वो केव है जहाँ पे एक पिग मॉन्स्टर ने बहुत सारे पैसे लगा के रखे। ये देखो यार, यहाँ पे एक पिगी और भी खड़ी है, मैं जल्दी जाके यहाँ पे बात करता हूँ, परी तो कितनी ज्यादा डेंजरस लग रही है। कोई बात नहीं गाइस, डर के आगे जीत है, मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हल्क इसके लिए तो बनाऊ यहाँ पे जाता। वेलकम 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 ट्रैवल, क्या तुम यहाँ पे पिग मॉन्स्टर से उसके पैसे लेने की कोशिश करके आए हो? अरे हाँ हाँ, एक पिगी आया था जिसके साथ बहुत बुरा किया वो मॉन्स्टर ने। क्या तुम रेडी हो चैलेंज लिए? अरे हाँ रेडी हूँ, भले देखो मेरी साइज थोड़ी छोटी लग रही होगी, पर मैं चैलेंज लेके रहूंगा। गाइस सबसे पहले तो मुझे दरवाजा खोलेगा, इसके लिए मैं पाइप बॉम्ब फेंक के दरवाजा खोलेगा। अरे क्या शैतानी कर रहे हो तुम? अरे कोई शैतानी नहीं कर रहा, मेरी फ्लैशलाइट कहाँ गई गाइस? फ्लैशलाइट लेकर आया था। हाँ हाँ हाँ, ये देखो गाइस, ये स्पेशल फ्लैशलाइट वाली तलवार लेकर आया था। बाप रे, यहाँ पे तो तुम बचने नहीं वाले हो, मुझे बचूंगा। अरे गाइस ये तो देखो कैसी खतरनाक केव के अंदर लाइट चालू करता हूं। एक सेकंड गाइस, ये देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे गेट के पास ही कितने सारे पैसे पड़े। अरे हाँ, मेरा पिगी बहुत है, वो सबको मार देता है, इसके सबके पैसे। वाह 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 गाइस, अरे बाप रे, और पैसे यहाँ पे तो गाइस देखो, $100 की कितनी सारी नोट है यार। मेरे को अगर पहले इस जगह का पता चलता तो यहाँ पे पहले से आके पैसे ले लेता। यहाँ पे देखो की तरफ इतने सारे रुपए पड़े, अंदर तो ज्यादा रुपए पड़े होंगे, वैसे भी मुझे गाइस ज्यादा रुपए चाहिए, बार तो 10 लाख रुपए चाहिए। तब मिलेगा तगड़े रिवेंजर हल्क वाला। अरे बाप रे गाइस, ये देखो यहाँ पे भी पैसे पड़े, यहाँ पे भी पैसे पड़े, सब जगह पैसे ही पड़े यार। पर गाइस देखो, मैं लाइट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल करूंगा लाइट का। ही ही ही, मेरे पिकी को पता चल चुका है कि तुम आए हो। पता चल चुका है, ऐसा नहीं हो सकता गाइस। ये देखो यहाँ पे भी पैसे पड़े, चलो आगे। अरे गाइस देखो यार, यहाँ पे है ना, जितना आगे जाता जा रहा हूँ ना, उतने ज्यादा ज्यादा पैसे दिख रहे, मतलब मैं वो पिकी के ज्यादा पास पहुंचता जा रहा हूँ। अरे बाप रे, तो पूरा रास्ता पैसे से भरा पड़ा है, और यहाँ पे भी कितनी बड़ी ढगली पड़ी है पैसे की। ये देखो, गए हो तुम मेरे पिगी के पास। अरे गाइस, ये कौन खड़ा है? रुको, ये देखो, ये कौन आया है मेरे से मेरा पैसा छीनने के लिए? कोई भी नहीं आ सकता मेरे से मेरा पैसा छीनने के लिए। ये देखो, ये इंसान आया था, इसकी चिट्टी बिट्टी गुल कर दी। एक पिगी आया था, उसका भी मेरे बैट से बहुत आ। कोई नहीं ले सकता मेरे 10 लाख रुपए, सारे पैसे मैं इधर ही रखूंगा। अरे गाइस, ये तो सर्फ कौन आया है? अरे एक फोरहेड वाला ब्लैक हल्क आया रहा। अरे नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो डब्बे को छुपा रहूंगा। मैंने तुझे देख लिया है, छुपने का कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। अच्छा ठीक है, रुको बाहर आता हूँ। गाइस ये देखो, यहाँ पे बाहर आया हूँ। अरे पापा ने सारे रुपए पड़े इसके पास, तो पैसे की ढगली ढगली है। ओ माय गॉड, ये ढगली चाहिए तुझे? हाँ चाहिए तो सारी। तो तुझे मरना पड़ेगा। नहीं मरना नहीं है, मुझे चिंता रहना है, प्लीज पैसे दे दो ना। क्यों पैसे दे? अच्छा चलो ठीक है, इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में पिक लिखेंगे और पिक वाली इमोजी डालेंगे, मैं तुझे पैसे डाल दूंगा। अब देख, जो लास्ट इंसान यहाँ पे आया था, जो वीडियो को लाइक नहीं करवा पाया था और कमेंट सेक्शन में पिक नहीं लिखा पाया था, उसकी हालत मैंने क्या करी थी। गाइस ये पिगी ने ना मुझे चैलेंज दिया है कि तुम सब लोगों को इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में पिक लिखना पड़ेगा और पिक वाली इमोजी डालनी पड़ेगी। तुम ये काम कर दो तो ये डेंजरस पिग से मुझे लड़ाई नहीं करनी पड़ेगा।
हाँ, मेरे से लड़ाई में कोई नहीं जीत पाता। एक सुबह पिग आया था, उसको भी मैंने मार दिया। और फिर उसके पास एक आयरन मैन का सूट भी था, इसका भी मैंने खून खराबा करके मार दिया। या, या, या। अरे गाइस, देखो इसका बैट तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसमें से कैसी नेल चल रही है। प्लीज देखो, तुम लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में पिग लिखो और पिग की मोर। अगर तुम इतना सा सिंपल सा काम कर दोगे ना, तो मुझे इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। देखो, तुम्हारे लिए वीडियो को लाइक करना भी फ्री है, कमेंट सेक्शन में पिग लिखना भी फ्री है, और पिग की मोजी डालनी भी फ्री है। तो तुम तीन फ्री वाले काम कर सकते हो। तो गाइस, क्या कर रहे हो यार लाइक करने में कैसी कंजूसी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में पिग लिख दो, जिससे मुझे पैसे मिल जाए। फ्रैंकलिन, मैं देख रहा हूं सब जनों ने वीडियो को लाइक किया है तेरे लिए। तू लोगों का चहिता है, मैं देख सकता हूँ। इसके लिए मैं तुझे मारूंगा नहीं। या, 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 या। अरे गाइस, ये देखो, ये डेंजरस पिग ने मुझे बताओ ना। हाँ, पर सिर्फ 10 लाख रुपए लेना। लालच किया तो मुझे पता चल जाएगा, फिर तुझे मर्डर करने आऊंगा मैं। या, 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 या। अरे नहीं, नहीं, मर्डर करने नहीं आना। चलो गाइस, यहाँ से लेता हूँ। भागो भागो भागो, 10 लाख ले लिए। डरा मत यार मुझे। गाइस देखो यार, यहाँ जान बची तो लाख, पर पहुंच गया पहुंच गया। चलो 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 चलो, जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा, लगने का टाइम नहीं है, जल्दी से आना पड़ेगा। हाँ गाइस, थैंक यू यार, वीडियो को लाइक कर दिया और कमेंट सेक्शन में पिक लिख की मुझे डाली, जिसके लिए यार मुझे पैसे मिल गए, वरना नहीं मिलता। अरे तू पैसे के कैसे बाहर आ गया? आज से पहले कोई भी नहीं आया पैसे लेके। ए पिग वाली आंटी, तेरी तो ऐसी धोखा मार तुझे, ये ले ये खा। मेरे को कुछ नहीं आता तेरे हथियारों से। अरे गाइस, ये सब के लोग है, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ भाई। पर चलो गाइस, मुझे मेरे 10 लाख रुपए मिले, जल्दी से मैं जाता हूँ, मेरा नया हल्का सूट लेकर आता हूँ, लेट्स गो। पहुंच गया मैं। आए पत्थर जी, ले आया यार सूट, ले आए तुम? अरे हाँ हाँ, सूट ले आया, नहीं पैसे ले आया। ये लो यार 10 लाख रुपए दद्दू हल्क। आए पत्थर जी, ले लो, चलो यार अपना अल्टीमेट है ना, हैंड्स वाला रिवेंजर हल्का सूट। वूहू गाइस गो। ये देखो गाइस यार, मुझे तो था आर्म वाला अल्टीमेट रिवेंजर हल्क ऑल फादर सूट मिल चुका है, कितना डेंजरस लग रहा है। और ये देखो, अब मेरे पास प्योर ब्लैक पावर आ चुकी है। इसका मैं तुम्हें एक मस्त बताओ, ये देखो मैं धूम सकता हूँ, यहाँ पे जमीन में जा सकता हूँ, यहाँ सब लोगों को परेशान कर सकता हूँ। ये देखो, इसको भी खा गया मैं तो। आए फ्रैंकलिन पुत्र यार, तुम ज्यादा लोगों को खाओगे नहीं ना अब ये वाले सूट की पावर से? अरे नहीं नहीं, मैं तो सबको खाऊंगा। अरे बाप, अरे भागो, हम तो यहाँ पे ब्लैक हल्क सूट को देखने आए थे, ये फ्रैंकलिन बहुआ तो सबको खाता जा रहा है। गाइस ये देखो यार, यहाँ पे है ना, मेरे को सब लोगों को खाने में बहुत ज्यादा मजा आ रही है। आओ आओ अंकल, इधर आओ, ये इसको मैं है ना यहाँ पे पकड़ूंगा। और ये देखो और देखो, मुझे सिर्फ है ना यहाँ पे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं तो चाहूँ ना तो ऐसे वाईफाई से भी लोगों को खा सकता हूँ। और फ्रैंकलिन तो मेरे को यार, फ्रैंकलिन से मुझे बचाओ। अरे कोई नहीं बचाएगा तुमको यार। आए पत्थर जी, बस बस यार, तुम ये लोगों को परेशान, तुम्हें इससे भी खतरनाक वाला सूट चाहिए क्या? ये 6 आर्म वाले रिवेंजर से भी ज्यादा खतरनाक सूट मुझे मिल सकता है? आए पत्थर जी, हाँ क्यों नहीं मिल सकता यार, तुम चाहते हो कि तुम्हें ये जायंट ब्लैक फ्रैंकलिन का सूट मिल जाए, या उससे भी ज्यादा तुम्हें ये टाइटन ब्लैक हल्क का सूट मिल जाए? अरे हाँ हाँ, चाहता हूँ ना। आए पत्थर जी, तो आओ चलो मेरे साथ चलो, मैं एक कंपटीशन होस्ट कर रहा हूँ, अगर वो कंपटीशन जीत गए तो मैं तुम्हें वो वाला सूट दे दूंगा। ओके गाइस, अरे मैं तो एक्साइटमेंट में बावला हो रहा हूँ, लेट्स गो, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। तो देखो, ये दद्दू हल्क ने बोला कि अगर मैं उनका एक कॉम्पिटिशन जीत गया ना, तो मुझे वो वाला सूट दे देंगे, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, लेट्स गो। गाइस ये देखो, मैं आ चुका हूँ यहाँ ब्लैक दद्दू हल्क के कंपटीशन में, यहाँ पे देखो कितने सारे लोग आए और मैं भी आ चुका। अरे फ्रैंकलिन पत्थर जी आ गए, कितनी देर कर दी? अरे हाँ मुझे पता है, काफी देर हो गई। आए पत्थर जी, ये देखो यार, यहाँ पे तुम्हारे सारे कॉम्पिटिटर्स आए हुए, ये है शेफ पिगी। हेलो, देखो बर्गर खाना अच्छा लगता है। और पत्थर जी, तुम बबलू तो जानते होगे, और बबलू पहलवान आज तो अपग्रेड होके जाएगा। और पत्थर जी ये देखो यार, ये रहा वुल्फ हल्क, खा जाऊंगा। और पत्थर जी ये देखो, ये रहा यार वो पिग हल्क जिसको तुमने सूट भेजा था। अरे ये कैसा डिफेक्ट है, उस पिटाई करी थी पिग मॉन्स्टर ने। तुम्हारी पिटाई करी, मैं तो जाके है ना उसके पैसे भी ले आया। तो उसके कराया, पर ये वाले कॉम्पिटिशन के सारे पैसे मैं ही लूंगा, और फिर सबसे ज्यादा जायंट वाला ब्लैक हल्क का सूट खरीद लूंगा।
अरे नहीं नहीं कोई कुछ नहीं कर पाएगा गाइस, देखो और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजरस ऑब्स्टिकल कोर्स यहाँ पे ब्लैक दद्दू हल्क ने रखा है। हमको है ना सबसे पहले यहाँ से है ना अपनी लिए एक पसंदीदार साइकिल लेनी है। पसंदीदार साइकिल को यहाँ से लेके जाना है और ये वाले सारे रैंप्स के ऊपर से चलाना है। अब देखो साइकिल पानी में बिल्कुल भी नहीं गिरनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे जाना, खुलते बंद होते हुए दरवाजे को क्रॉस करते हुए आगे जाना है। अब यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि देखो यार यहाँ पे जो लैंड है ये बार बार गायब हो जा रहा है। अगर तुम यहाँ पे गायब होकर नीचे गिर गए तो तुम आउट हो जाओगे। अरे पत्थर जी बिल्कुल लेजर भी चला रहा है तो ध्यान रखना, तुम इसकी लेजर में आ गए तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा। फिर तुम्हें ना ये वाले स्टॉप साइन से बचना है और ये बैलेंस बीम पे, ये बैलेंस बीम पे अपनी साइकिल एकदम तेज बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर बैलेंस नहीं रखा तो तुम सीधा जाके आउट हो जाओगे। और ये नारंगी तुम रहने की कोशिश करेगा, ये वाला जो ग्लाइडर है ये भी तुम्हें नीचे की कोशिश कर रहा है तो इससे भी बचना। फिर तुम्हें ये सब करने के बाद अपने को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे हवॉक करके तुम्हें ये सारी आग वाली रिंग्स में से जाना पड़ेगा। और तुम इन सबको क्रॉस करके अगर ये वाली बॉल की दीवार तक पहुंच गए तो इसे गिरा के तुम यहाँ पे पैसों के पास पहुंच सकते हो। और जैसे तुम ये कप को टच करोगे वैसे ही तुम एक जायंट सेलेस्टियल में कन्वर्ट हो जाओगे। अरे वाह वाह गाइस देखो यार, ये जो हवा में वॉक करने वाला ये आग वाली रिंग में से जाने वाला पार्ट है ये सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। फिर उसके बाद है ना ये जो यहाँ पे बैलेंस करना वो भी मुश्किल होगा, बाकी पार्ट तो मैं कर ही लूंगा। हाँ पत्थर जी तो आओ चलो कॉम्पिटिशन को जल्दी से शुरू करते। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं जाऊंगा, ये देखो यहाँ पे चला गया। अरे तोन तो इतनी ज्यादा बड़ी है, मैं साइकिल पे ढंग से फिट भी नहीं हो रहा हूँ दोस्तों। अरे गाइस ये देखो इसकी तोन इतनी बड़ी है, इसकी ढोची जैसी कमर गई है, पर कोई बात नहीं देखो ये आगे तो जा रहा है, इसकी साइकिल तो ढंग से चला। अरे दोस्तों मैं तो साइकिल चला चला के थक भी गया, कोई एक्सरसाइज करने की हैबिट नहीं है ना, मैं तो सिर्फ केक खाता हूँ दोस्त। चलो यार अभी यहाँ पे लैंड करने का वेट करता हूँ और आगे जाता हूँ। हेलो दोस्त कैसे हो तुम तो? अरे अंकल जी तुम्हारी साइकिल का टायर पंचर करने। हेलो दोस्तों ये देखो मेरी तो चर्बी इतनी ज्यादा है ना कि मुझे तो उसने बचा लिया। अरे गाइस सच्ची में चर्बी ने तो इसको मदद कर दी। दोस्तों अब देखो मैं आगे जा रहा हूँ यहाँ पे बैलेंस बीम पे, एकदम आराम आराम से मैं तो आगे जाता जा रहा हूँ। अरे बाप रे मेरा बैलेंस थोड़ा थोड़ा बिगड़ रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, आई आई आई, ओह नो दोस्तों मैं तो पानी में गिर गया। अरे बबलू पहलवान की बारी है, बबलू पहलवान तो रोज साइकिलिंग करता है वजन उतारने के लिए, तेज बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। चलो जल्दी से साइकिल पे जाएगा बबलू पहलवान। ओए होए होए, ओए होए होए, क्या जंप लगाई है, क्या जंप लगाई है, एक और जंप लगाई है। ओए दरवाजे जल्दी से खुल जाए यार। अरे 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 बबलू पहलवान को तो इसने हवा में दिया। अरे गाइस देखो बबलू तो भी आउट होने वाला था। अरे ये साइकिल तो डैमेज हो, उसको यहीं पे छोड़ रहा। अरे बाप रे यहाँ पे मेरा पैर ही पचल गया था, आगे चलता है। ओहो अरे फिर से पैर पचल गया। और बबलू जी कैसे हो? अरे तू मेरा रास्ता रोकेगा तेरी ऐसी तैसी। अरे ये क्या हो गया, मैं तो नीचे गिर गया, पर कोई बात नहीं मैं पानी पे टच नहीं हुआ था इसके लिए आउट नहीं हुआ हूँ, मैं वापस यहाँ ऊपर जा जाता। ओए ये चलाना बंद कर, ये ले तेरे मेन पॉइंट पे हमला किया मैंने। अरे बबलू पहलवान ने तो बेचारे आदमी को गिरा दिया। बबलू पहलवान इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बबलू पहलवान इज द ग्रेटेस्ट। अरे मैं से आउट हो गया। अरे दद्दू हल्क यार ये पहलवान तो चीटिंग करे जा रहा है, दो बार तो यार ये नीचे गिर गया। आए पत्थर जी हाँ बबलू पहलवान तुम आउट हो चुके हो। अरे नहीं बबलू पहलवान आउट नहीं हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ना। आए पत्थर जी नहीं तुम बबलू पहलवान आउट नहीं हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ना। आए पत्थर जी तीसरी बार और आखिरी बार बोल रहा है तुम आउट हो चुके। अरे बबलू पहलवान आउट नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ ना। अरे गाइस तो दद्दू हल्क की बात ही नहीं मान रहा, भड़बड़ भड़बड़ करके आगे जाते जा रहा। अरे बबलू पहलवान बोल रहा है ना वो आउट नहीं हुआ है, पानी में गिरा है बबलू पहलवान। अरे बाप रे बबलू पहलवान पानी में गिर गया। माय टर्न हैज कम। बबलू पहलवान ने मेरे लिए रास्ता भी साफ कर दिया है, मैं सबसे जायंट ब्लैक वुल्फ हल्क बनूंगा। और यार जैसे ही है ना काली 14 आएगी मैं सबसे ज्यादा अपग्रेड हो जाऊंगा, एकदम जायंट बन जाऊंगा, फिर पूरे लॉस सैंटोस को खा जाऊंगा, लॉस सैंटोस के मून को भी खा जाऊंगा। और बबलू पहलवान का तू फायदा उठा रहा है, बबलू पहलवान ने उसको मार दिया था। मुझे पता है बबलू पहलवान, एंड आई वेरी मच थैंक यू फॉर इट। अब देखो मैं मेरी साइकिल को यहाँ पे छोड़ दूंगा क्योंकि बैलेंस बीम है ना वहाँ पे डेंजर हो जाएगा। अरे ये क्या है, मैं आउट हो गया यहाँ पे। तो नो गाइस ये देखो ये सब जन नीचे गिर जाते हैं पर कोई आउट मानता ही नहीं है। ये पानी पे टच नहीं, तो द्वल्क ने बोला था जो पानी पे टच नहीं हो वो आउट नहीं है। यहाँ पे देखो कूद के आ गया मैं। ए, नीचे मत गिराना, मुझे नीचे गिराया तो देख, नीचे मत गिरा मुझे। अरे ये तो स्टॉप साइन को डांट रहा है। अरे ये देखो इसको तो फिर से गिरा दिया पर पानी को नहीं टच करवा पाया। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ओए पत्थर जी सब लोग चीट। अरे दद्दू हल्क पता नहीं, अरे देख तूने भी पानी को टच कर लिया, अब तो तू भी आउट है। नहीं नहीं आउट नहीं हूँ मैं, आउट नहीं हूँ।
डड्डू भाई तुम चिंता मत करो, मैं इन सब लोगों को है ना ठिकाने लगा देता हूँ। आपके सारे बच्चे बहुत ही शैतान है, मैं चाहिए तुमको इन लोगों की। देखो मैं साइकिल वाइकिल नहीं लूंगा, हमारे जमाने में साइकिल नहीं हुआ करती थी, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। ये क्या खुल बंद होने वाले दरवाजे, ऐसे भी कोई दरवाजे होते हैं क्या? ये देखो, अरे बाप रे, अरे अरे आउट होने वाला था मैं आउट नहीं हुआ। अरे क्या, खुद ही तभी बोल रहा था कि तू चीटिंग नहीं करेगा। अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, मैं नीचे गिर गया, मैं आउट नहीं मानूंगा खुद को।